मामा टीवी। राज सिंह सेठ जी शिवपुर नाम के गांव में बड़ा व्यापारी थे। वह सब लोगों को खेती करने के लिए पैसे उधार देते थे। वह बहुत अच्छा आदमी था, किसी को पैसों के लिए तंग नहीं करता था। उसी गांव का रहने वाला विक्रम उसके बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास जमीन था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से खेतीबाड़ी नहीं हो पाती थी। एक दिन उसकी बीवी ने बोली, अजी आप उदास मत रहो, हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। मैं जाकर किसी घर में काम कर लूंगी। तुम्हें पता नहीं पारो, अपने बीवी बच्चों को दो वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझे कितना दुख है। अरे आप ऐसा मत बोलिए जी, खेती नहीं तो सही, कुछ और काम ढूंढ लेना। मैं जाकर राजा सिंह के यहाँ कुछ काम के लिए पूछता हूँ। ऐसा वह राजा सिंह सेठ के पास गया। सेठ जी, अब मुझे ये खेती वेती कुछ नहीं करनी, मुझे कुछ और काम है तो बोलिए। घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते ही राजा सिंह ने एक आदमी को फोन लगाया। उसके बाद विक्रम से ऐसा बोला, अरे विक्रम भाई, तुम एक नेक आदमी हो, इसीलिए मैं स्पेशल रिकमेंडेशन करके एक काम ढूंढ लिया है खास तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछना है, तुम्हें एक 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो दिया जाएगा। तुम्हें चुपचाप उसे लेकर एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाना है, ठीक है। अगले ही दिन जब वह ऑटो लेने राजा सिंह के घर आया तो 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो देखकर चौंक जाता है। हा? तभी राजा सिंह ने एक एड्रेस का चीटी दिया। विक्रम उस ईंट के ऑटो को लेकर दूसरे गांव में एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाया। उधर दो मैकेनिक थे, उन दोनों ने मिलकर एक एक करके सारे ईंट को निकाल देते हैं और सिर्फ ऑटो के बॉडी को और इंजन को छोड़ देते हैं। अरे ये क्या भाई, आपने तो सारे ईंट को निकाल दिया। अरे तुम चुपचाप से ऑटो को फिर से राजा सिंह के पास छोड़ दो। जब विक्रम ऑटो को फिर से सेठ के पास छोड़ दिया, तभी सेठ ने उसे 10,000 रुपए देते हैं। उन पैसों को लेकर खुशी से अपने बीवी को दिया। ये क्या है जी, एक ट्रिप के लिए 10,000 रुपए? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आपको कुछ शक नहीं हुई? ये सब सुनके विक्रम का बेटा विनोद को शक हो जाता है। अगले ही दिन जब विक्रम ईंट का ऑटो लेके खाना खाने के लिए घर आया, तभी उस ऑटो से एक ईंट को विनोद निकाल देता है और पानी में डाल देता है। कुछ ही देर में ईंट का रंग निकल गया और सोने के रंग में बदल गई। अच्छा, पापा को उल्लू बना के वह से पापा से सोने का स्मगलिंग करवा रहा है, मैं अभी उसको मजा चखाता हूँ। ऐसा विनोद सारा बात पुलिस को बोल देता है। तभी पुलिस ईंट के ऑटो के साथ जाकर राजा सिंह और उसके मैकेनिक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष बेटा, तुम्हारी वजह से अपने पापा को गिरफ्तार होने से बचा लिया और एक बड़े स्मगलर को भी पकड़वाया, वेरी गुड। मिनी स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स बाइक की रेस। एक गांव में कुछ अमीर बच्चे जॉनी, बन्नी और टॉमी 3 फॉरेन मिनी कार्स लेके बहुत तेजी से चलाकर जा रहे थे। उन कारों को टकरा कर सड़क पे लोग, साइकिल पे चलने वाले और बाइक पे चलने वाले गिरने लगे। वह तीनों कार से सबको परेशान कर रहे थे, सभी को गिरा कर जाने लगे। ऐसा ही चलते चलते तीनों एक प्रभुत्व पाठशाला में पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगे। उसकी वजह से सारे बच्चे परेशान हो गए। कुछ देर के बाद तीनों कार से उतरे और जॉनी ने ऐसा बोला, यार आज तो बहुत मजा आया, सभी को बहुत मजा चखाया, खासकर उन गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को। हाँ यार जॉनी, तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो हर साल अच्छे मार्क्स वही लेके जा रहे हैं। इतने में गवर्नमेंट स्कूल के 3 बच्चे जय,
लव और कुश आपस में बातें करने लगे। यार, इन अमीर स्कूल के बच्चों को हद ही नहीं है, हर वक्त गांव के लोगों को और हमको तंग करने लगते हैं। हाँ यार जय, तुम सच कह रहे हो, हमें किसी भी तरह उनको सबक सिखाना है। लव और कुश, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। यार जय, पैसे तो मिल जाएंगे, आखिर प्लान तो बताओ। यार, मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक रेस का आयोजन करूँगा। उस रेस में उन तीनों स्पोर्ट्स मिनी कार को हरा कर उसे सबक सिखाऊंगा। यार जय, ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स कार है, उससे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पहले तुम पैसों का इंतजाम करो यार, मैं भी मेरे पापा से कुछ पैसे पूछूंगा। ऐसा वह तीनों मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से तीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का निर्माण खुद करते हैं। फिर एक दिन जय, लव और कुश जॉनी, बनी और टॉमी के पास जाते हैं। तभी जय ने ऐसा बोला, हे जॉनी, बनी और टॉमी, आप लोगों को घमंड है ना कि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है? अगर हिम्मत है तो हमको रेस में हरा कर दिखाओ। रेस? और तुमसे कैसे करोगे रेस रे, साइकिल पे या बैलगाड़ी से? तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकोगे। अगर डर है तो छोड़ दो, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। लगी शरत? बोलो बोलो। अगर आप लोग हार गए तो हमेशा के लिए आप इस गांव के लोगों को अपने कार से तंग नहीं करोगे। अगर हम हार गए तो ये तीन बाइक आपको दे देंगे। ऐसा बोलकर रेस का आयोजन करते हैं। तीन कार और बाइक रेस के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी जय ने बोला, लव और कुश, आप लोग जब मैं इशारा करता हूँ, आप अपने बाइक्स को उनके कार के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है? जब रेस शुरू हुआ, स्पोर्ट्स कार आगे निकलने लगे। तभी जय ने इशारा किया, तुरंत जय, लव और कुश एक ही साथ अपने तीन बाइक्स को उन कारों के ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये बात जॉनी, बनी और टॉमी को पता ही नहीं था। और जब रेस खत्म होने ही वाला था, जय फिर से इशारा करता है। तभी तीनों बाइक कारों के ऊपर से नीचे उतरकर जय, लव और कुश रेस जीत जाते हैं। तब से तीन अमीर दोस्त शर्मिंदा होके गांव में सभी को परेशान करना छोड़ देते हैं और जय, लव और कुश से दोस्ती भी करने लगते हैं। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। केलापुर नाम के एक गांव में एक आदमी शंकर गांव के सेंटर में एक मंदिर के पास कुछ लोगों के साथ ऐसा बोल रहा था, भाइयों और बहनों, सबको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। हमारे केलापुर का सौभाग्य है कि बनाना बाबा इस महीने के 20 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। अरे वो शंकर भाई, ये बनाना बाबा कौन है? हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें बनाना बाबा मालूम नहीं? कहाँ से आए हो भाई? बनाना बाबा जिधर भी कदम रखे वहाँ पर सुख और संतोष भर गया है। वो कब कहाँ पर पहुँच जाते हैं किसी को नहीं पता, इसीलिए हम सब बाबा का स्वागत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है? सभी लोग ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। ठीक 20 तारीख के सुबह सभी लोग सेंटर में मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक केले के रूप में बस आने लगता है और आकर सबके पास रुक जाती है। सभी लोग गोल्डन बनाना बस को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उस गोल्डन बनाना बस में से एक आवाज निकलती है, सब लोग ऐसा मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? मेरी तपस्या की वजह से मैं एक गोल्डन बनाना बस की तरह बदल गया हूँ। मैं बचपन से सिर्फ केला ही खाया हूँ और केला ही मेरा सब कुछ है। सब लोग हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे, जय बनाना बाबा, जय केला बाबा, जय बनाना बाबा, जय केला बाबा, धन्य है हम, धन्य है। ठीक है ठीक है, मुझे ये नमस्कार और सत्कार पसंद नहीं,
मुझे कोई भी भेंट देने की कोशिश भी मत करो। मैं सिर्फ आपको प्रसाद देके मेरी दुआएं देने आया हूँ, आप सबकी दूर करने आया हूँ। अरे स्वामी, हमारे सबका दूर करने आए हो, क्या मतलब है उसका? अरे वही, आपका दुख दर्द समस्याएं सब कुछ दूर करूंगा। पहले ये प्रसाद लो और गांव में सबको खिलाना, और खासकर पुलिस वालों को देना, वो बहुत पापी हैं, उनका सब पाप दूर करूंगा। ऐसा बोलते ही गोल्डन बनाना बस के पीछे से बहुत सारे केले का प्रसाद आने लगे। ऐसा बनाना बाबा गांव में सभी गलियों में जाकर केले का प्रसाद दिया। गोल्डन बनाना बस बाबा और शंकर पुलिस स्टेशन भी गए, और शंकर सभी पुलिस वालों को प्रसाद भी देता है। उसी रात को सब लोग केले के प्रसाद खाकर बेहोश हो जाते हैं। तभी उस बनाना बस में से एक आदमी बाहर आता है। शंकर और वह जाकर सभी गांव वालों को लूटने लगते हैं। बेहोश पड़े लोगों से सोना चांदी गहने निकालने लगे और घरों में जाकर अलमारी से पैसा भी लूटने लगे। सब कुछ बांध कर उस गोल्डन बनाना बस के अंदर चले जाते हैं। तभी पुलिस आया और ऐसा बोला, अरे बनाना बाबा रुको तो सही, भक्त हट जाओ नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे मैं तुम्हारा केला नहीं खाया रे, अगर तुम बाहर नहीं आया तो तुमको मैं भस्म कर दूंगा। ऐसा बोलते ही बनाना बस में से शंकर और दूसरा आदमी बाहर आते हैं। पुलिस दोनों को मार मार कर गिरफ्तार कर लेते हैं और सबको अपना धन दौलत गहने सब कुछ वापस कर देते हैं। ऐसा पुलिस ने शंकर और उस डोंगी बाबा से गांव को बचा लेते हैं।